कासगंज में आकाशीय बिजली गिरने से गरीब मजदूर का काफी नुकसान। अमापुर क्षेत्र के ग्राम नगला कोठी के निवासी मुन्नालाल और उनके बेटे दुर्बेश के लेटर गिरने से काफी चोटें आई। साथ में मुन्नालाल की पत्नी हेमलता भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वही आनंद फानन में रात्रि के समय पड़ोसी डॉक्टर से इलाज करा लिया। आपका नाम क्या है? मुन्नालाल। गाँव कौन सा? ये नगला कोठी। किस जनपद में आता है? कासगंज में आता है। कासगंज जनपद में आता है, विकासखंड अमापुर। आपके ये मकान पे घटना घटित हुई थी, कब की घटना है ये? कल की है सर। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 10:30-11 बजे की है। 10:30-11 बजे की घटना है। यहाँ पर जो घटना हुई थी उसमें कुछ किसी को कोई नुकसान पहुँचा क्या? हाँ, हल्की फल्की चोटें लगी है सर। किसके चोटें आई हैं? हमारे मैडम और हमारे बच्चा ने यहाँ पर लेटा हुआ था जी, उसके थोड़ी थोड़ी मतलब चोट लगी, जो ईंट पत्थर के गिरे जैसे टूट के एकदम धमाका जैसा हुआ जैसे ही आए। और नीचे एक भैंस लेके जा रहा था, एक इधर से उधर जैसे गांव में बांधते हैं तो बांधने के लिए जी जी जी, जब उनके भी भैंस के चोट आई। तो क्या आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जी, जैसे बिजली की तड़प से ये नुकसान हो गया हमारा, बिजली जैसे आकाशीय बिजली गिरने से आपके मकान टूटा है। क्या लगता है आपके लिए आकाशीय बिजली से गिरने से मकान टूटने के बाद में शासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? जी, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई गवर्नमेंट करे और हम उससे वो करते हैं, अनुरोध करते हैं और कृपा करते हैं कि हमारा मतलब जैसे हम गरीब आदमी हैं तो उस हिसाब से हमारा, हम मजदूर पार्टी के आदमी हैं तो हमारा जो नुकसान हो गया है उसकी कुछ वहीं मिल जाए, जिससे हमारी मरम्मत की, मकान की मरम्मत हो जाए। यह मकान लेंटर तो ऊपर सारा टूटा ही पड़ा हुआ है। मकान बनाए हुए कितने समय हो गया था? इसको 2 साल हुए थे।